हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बिना तेल की पनीर की सब्ज़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप सोचते होंगे कि बिना तेल की पनीर की सब्ज़ी कैसे बनेगी, तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि बिना तेल की पनीर की सब्ज़ी कैसे बनती है। जब आप खाओगे तो लगेगा ही नहीं कि ये बिना तेल की बनी हुई पनीर की सब्ज़ी है। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। गैस अभी हम धीमी रखेंगे। इसमें डालेंगे 4 से 5 लौंग, 1 तेजपत्ता को तोड़कर डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इसे हम भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। सुनहरा होने तक इसे हम भून लेंगे। गैस अभी हम धीमी ही रखेंगे। तो इसे हमने भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने महीन से काट लिया है। इसे मिला देंगे। गैस यहाँ पर लो टू मीडियम कर देंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे, बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए प्याज अब हल्का हल्का सुनहरा हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, मिला देंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे ढक देंगे और ढक करके इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला ऑप्शनल है। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस यहाँ पर हमने धीमी कर दिया है। मसाला डालने के वक्त गैस हम धीमी कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चिकन मसाला की जगह पर आप मीट मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे ढक देंगे, गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे और धीमी आंच पे इसे बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे हम चलाते रहेंगे। अब गैस यहाँ पर लो टू मीडियम कर देंगे और इसे हम लो टू मीडियम आँच पर बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहेंगे और मसाले को हम 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। जब लगे मसाला कढ़ाई में लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाला को भूनेंगे। तो मसाला को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी, मिला देंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच कसूरी मेथी, मिला देंगे। इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। आप अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब गैस यहाँ पर फुल कर देंगे और अब इसमें पनीर डाल देंगे। यहाँ पे हमने 300 ग्राम पनीर ली है। पनीर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब गैस यहाँ पर मीडियम कर देंगे, ढक्कन हटाकर इसे एक बार चला देंगे और फिर से इसे ढक देंगे और ढक करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे।
तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब गैस बंद कर देंगे। तो लीजिए, बिना तेल की पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी में हमने एक बूंद भी तेल नहीं डाला है, बिना तेल की ही हमने पनीर की सब्जी बनाई है। और ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिना तेल की सब्जी बनी हुई है। तो आप भी इस तरह से एक बार पनीर की सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।